स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट यूनिट टू चैप्टर वन पोएम नोजेस। ओके, अब हम रीडिंग करते हैं इस पोएम की। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज। इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट्स शोज, विद टू लिटिल होल्स वेयर द breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you see how funny your nose sticks out. इसके पोएट कौन है? पोएम के एलन फिशर। स्टूडेंट आपको भी इसी तरीके से रीडिंग करनी है जैसे मैंने आपको करके बताइए। यू रीड द पोएम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पोएम को मैं आपको इस पोएम को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एवरीबडी लिसन केयरफुली। पोएम नेम है नोजेज। नाक के ऊपर एक पोएम बनी हुई है। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज। वो कह रही है लड़की जो है इस पोएम में कि मैं शीशे में देखती हूँ एंड लुक्ड एट माई नोज और अपनी नाक को देखती हूँ। इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज। और ये मुझे बहुत मजाकिया सी दिखती है, मतलब हंसी आती है इसको देखकर कि द वे इट ग्रोज की कितनी बढ़ती जा रही है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, विद टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। कि ये स्टक राइट आउट, कि ये बढ़ती जा रही है और किस ऐसी जगह चिपकी हुई है, वेयर ऑल ऑफ इट शोज, कि हम सभी कहां पर देख पाते हैं इसे, विथ टू लिटिल होल्स, और इस नाक में जो है ये जो बढ़ रही है इसमें जो दो छेद हैं, वेयर द ब्रीदिंग गोज, जहां से हम सांस लेते हैं, वो बिल्कुल बड़े बड़े से दिख रहे हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर, और मैंने शीशे में देखा और वहां देखकर द एंड ऑफ माई चिन, जो मेरी देखा और जो चिन्ह होती है नाक के नीचे, जो मुंह के नीचे जो चिन्ह होती है थोड़ी, वो देखा कि वो बिल्कुल सीधी उसमें है, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और फिर वहीं लास्ट में उसकी चोटी जो है उनसे लगी हुई है चिन से, एंड बिटवीन देयर, और वहां उसके बीच में इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज। वो कह रही है कि नाक के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, ऐसा लग रहा है सब कुछ पास पास में है, लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, वहां पे सब कुछ पास, बिल्कुल मुंह चोटी थोड़ी नाक ये सब कुछ पास पास में एक दूसरे से ऐसा लग रहा है जैसे चिपके हुए हैं। इफ एवर यू वॉन्ट टू गीगल एंड शाउट, यदि तुम हमेशा चाहते हो कि वो, मतलब एक ऐसे हंस रही है उसको देखकर चिल्ला रही है और उसको हंसते हंसते एक गुदगुदी सी फील हो रही है, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट, वो कुछ भी सोच नहीं पा रही कि क्या है टू डू इट अबाउट, इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं पा रही। जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट, और वो तभी शीशे में देखती है फिर से और कहती है कि नो डाउट, नो कोई संदेह नहीं है, यू विल सी हाउ फनी, कि ये कितनी मतलब हंसने वाली चीज सी दिखती है, इसे देखकर एक हंसी आती है, योर नोज, अपनी नाक को स्टिक्स आउट, जो ये यहां पर बढ़ती ही चली जा रही है, इसको देखकर मुझे हंसी आती है। तो आपने देखा कि इस पोएम में नाक के बारे में क्या बताया गया, वो लड़की अपनी नाक को शीशे में देखकर देख रही है कि वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, और जो उसमें दो छेद हैं वो भी बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं सामने ही, और वो कैसे हमारी ठोड़ी और मुंह इसके आसपास ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है चिपकी हुई है, और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, उसे देख देख कर उसे अपनी शीशे में हंसी आ रही है नाक को, और वो कुछ सोच नहीं पा रही, और जब वो हंसती है तो उसको ऐसा लगता है हंसते हंसते जब वो हंसती है तो उसकी नाक के जो होल्स हैं वो फूलते हैं, और उनको देखकर वो बहुत ज्यादा हंस रही है शीशे में देखकर। तो आपको समझ में आया इस पोएम में नाक के बारे में बताया गया है। ओके स्टूडेंट, आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, रीड अगेन एंड अगेन. ओके स्टूडेंट, विल रीड अबाउट 8 lines ऑफ पोएम नोजेस. आज हम 8 lines लिखेंगे नोजेस पोएम की. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दिस 8 lines, आफ्टर दैट यू रीड दिस एंड सेंड ऑडियो. ओके स्टूडेंट, ओके आई स्टार्ट दिस. राइट 8 lines ऑफ पोएम नोजेस. आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज. इट्स अ फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज. स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज. विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज. आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर. आया स्टूडेंट समझ में? जैसे मैंने आपको ये पढ़ के सुनाई है, आपको भी इसी तरीके से पढ़कर अपनी ऑडियो मुझे सेंड करनी है. ये पोएम किस पोएट के थ्रू लिखी गई है? एलेन फिशर. कौन है इसका पोएट? एलेन फिशर, AILEEN, एलेन FISHER, फिशर, एलेन फिशर. ओके, देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स. नाउ वी विल नो अबाउट द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग ऑल्सो. यस स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ड इज मिरर, MIRROR, मिरर. STUCK, स्टक, स्टक. BREATHING, breathing, breathing. SPARE, spare, spare. GIGGLE, giggle, giggle. DOUBT, doubt. क्या है बेटा? doubt. इसमें क्या है? बी साइलेंट. SHOUT, शाउट. क्या पढ़ेंगे हम इसे? शाउट. FUNNDOUBT, डाउट. क्या है बेटा? डाउट. इसमें क्या है? बी साइलेंट. SHOUT, शाउट. क्या पढ़ेंगे हम इसे? शाउट. FUNNY, फनी, फनी. CHIN, चिन. क्या बन गया? चिन. EVER, एवर. EVER, एवर. ओके, नाउ वी विल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मिरर. मिरर मीन्स शीशा. हम शीशे को क्या बोलते हैं? मिरर. ST, स्टक. हमने इसे क्या पढ़ा था अभी डिफिकल्ट वर्ड में? स्टक. स्टक मीन्स चिपकाया या चिपकाना, जो भी है. ब्रीदिंग, सांस लेना. स्पेयर, फालतू. गीगल, गुदगुदी. डाउट, संदेह करना. शाउट, चिल्लाना. फनी, मजाकिया. चिन, थोड़ी. जो आपके माउथ के नीचे चिन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? थोड़ी. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिन. एवर, एवर मीन्स हमेशा. स्टूडेंट, आपको समझ में आया? हमने अभी 8 lines पढ़ी इस पोएम की और कुछ डिफिकल्ट वर्ड पढ़े, जो कि हम बोलते टाइम हमें कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं बोलने में. तो आपको भी, जैसे मैंने बोलकर बताया, आपको भी नई तरीके से
इनकी प्रैक्टिस करनी है बोलने की, और इनके फिर हमने मीनिंग जाने हैं हिंदी में कि क्या होते हैं। नाउ यू सेंड मी द ऑडियो, आपको अपनी ऑडियो भेजनी है अब 8 लाइन्स जैसे मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।